औपचारिक रूप से हमें ये जानकारी ना दी जाए तब तक इसे स्पेकुलेशन ही माना जाना चाहिए। जब तक उनकी टीम की तरफ से हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, हम ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं। फिलहाल कोई ऐसी जानकारी वहां से नहीं आ रही है कि रिसेप्शन होने वाला है। सिर्फ मीडिया में इस बात की अलग अलग तारीखों को लेकर चर्चा हो रही है। जी, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है रवि, फेरे की जो रस्म है उसे अदा कर दिया गया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और लगातार हमारे दोनों संवाददाता इस वक्त वास्तु पर मौजूद हैं, जहां रणबीर और आलिया की शादी की रस्में अदा की जा रही है। आपको बता दें, वास्तु में शुरू गई है, हो चुकी है इस वक्त रणबीर और आलिया की शादी की रस्में। थोड़ी देर में ये रस्में पूरी भी हो जाएगी। फेरे की रस्म पूरी हो चुकी है, जो वक्त दिया गया था तकरीबन 3 से 3:30 का, उस वक्त में फेरे पूरे हो चुके हैं। अभी वास्तु के अंदर क्या क्या हलचल है ये हमारे संवाददाता लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। आलिया रणबीर कपूर की शादी हो गई, आलिया भट्ट अब आलिया भट्ट कपूर बन चुकी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आलिया और रणबीर कपूर की शादी हो गई, दोनों शादी की रस्म में, शादी के बंधन में बन चुके हैं। फेरे की रस्म पूरी कर दी गए, तय जो वक्त था उसके मुताबिक फेरे हो चुके हैं पूरे, और अभी जो और कुछ रस्में हैं उसे अदा की जा रही है। आपको लेकर के चलते हैं निधि के पास। निधि, अभी खबरें आ रही हैं कि फेरे पूरे हो चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए 3:30 बजे के बाद हमने कहा कि शादी की रस्म जो है वो शुरू हो गई थी, और अब जो है फेरे हैं वो पूरे हो गए हैं। और इस वक्त अंदर क्या कुछ हलचल है ये हमारे लिए चूंकि बताना मुश्किल है। और मैंने पहले ही बताया कि पंजाबी रीति रिवाज से ये शादी होगी, तो उसी रीति रिवाज से जो है वो शादी हो रही है, और अभी फेरे पूरे हो गए हैं और उसके बाद आगे की जो रस्म है वो होंगी। तो ये थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है कि जब ऑफिशियली सोशल मीडिया पर आलिया भट्ट और रणबीर कपूर से पोस्ट करेंगे, शादी की तस्वीरें पोस्ट करेंगे, लंबा इंतजार जो है वो करना पड़ सकता है। हालांकि 7 बजे के बाद मीडिया अपॉर्चुनिटी, फोटो अपॉर्चुनिटी को लेकर के जो कहा गया है उसकी बातें, लेकिन अभी तक का ये अपडेट है कि जो फेरे हैं उसे पूरे कर लिए गए हैं। रवि, हम सिक्योरिटी के लिहाज से अगर बात करें तो जो फैंस है उनका जमावड़ा हमें साफ तौर पर इस वक्त नजर आ रहा है, सिक्योरिटी के वहां कैसे इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि फैंस तो मानते नहीं है। रवि तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। निधि, मेरा सवाल यही था कि सिक्योरिटी के लिहाज से वहां इस वक्त क्या कुछ किया जा रहा है, अगर आप तस्वीरों के जरिए हमें दिखा सकें। जी बिल्कुल शिखा, देखिए ये तो पहले से ही कहा जा रहा था कि अगर कपूर खानदान में शादी हो रही है तो सिक्योरिटी तो कड़े होंगे ही, और कपूर खानदान से रणबीर कपूर की शादी हो रही है, सुपरस्टार है, तो इस वजह से भी यहाँ पर सिक्योरिटी तैनात है। और यहाँ बाकायदा न सिर्फ अंदर बाउंसर्स लगाए गए हैं बल्कि गेट के बाहर भी उनकी जो PR टीम है वो मौजूद है, बाउंसर्स यहाँ गेट के बाहर भी लगाए गए हैं ताकि कोई भी किसी तरीके से अंदर जो है वो नहीं जा सके। और ये तस्वीर आप देख सकती हैं, सब जो जितनी भी सेलिब्रिटीज यहाँ पर पहुंचे हैं सब अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर पहुंचे हैं, और इस तरीके की पूरी तैयारी, खास ख्याल रखा गया है। इन शख्स को भी देख सकते हैं जो सुबह से लगातार लोगों को यहां से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, भीड़ यहां पर नहीं आई, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब शादी और अगर फैंस को थोड़ी सी भी भनक लगती है, इजी एक्सेसिबल होता है, तो वो सभी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके की कोई गहमा गहमी नहीं हो कि बहुत इजीली, क्योंकि इस शादी में सिर्फ इस बात का ध्यान रखा गया कि बिल्कुल हैसल फ्री तरीके से शादी हो। अक्सर जहाँ थीम वेडिंग या डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं, इस बार रणबीर कपूर और आलिया ने मुंबई में अपने घर पर ही शादी करने का जब निर्णय लिया, तो उस वक्त से ही ये बातें लगातार चल रही थी कि क्या ये बिल्कुल हैसल फ्री वेडिंग होगा, तो उसका भी विशेष तौर पर ध्यान यहाँ रखा गया है। पंजाब ते पंजाबियों दा परछावा, पंजाबी साडियां बावा, ABP सांझा। हुण देखो अपने TV स्क्रीन ते टाटा प्ले चैनल नंबर 1929 ते। ABP सांझा देखण लई अपने केबल ऑपरेटर नू अज ही संपर्क करो। ABP सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।